सारे हैं, अभी पकने वाले हैं। हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली हम सेमेस्टर के बाद घर पे आए हुए हैं। आपको सराउंडिंग्स देख के लग रहा होगा, तो यहाँ बिहार में हमारे तरफ लाइक विंटर का सीज़न चल रहा है। पता ही होगा सबको, लाइक साउथ इंडिया में तो इतना पता नहीं लगता है कि लाइक समर है या विंटर है, जस्ट लाइक वहाँ माइल्ड सा लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैं 15 दिनों की छुट्टी के लिए घर पे आया हुआ था, और कुछ भी हो जाए लेकिन वर्कआउट तो मिस नहीं होना है। तो इस बार मैं जिम नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने 75 हार्ड जो चैलेंज किया था उसमें प्रॉपर मैंने लाइक आउटडोर वर्कआउट भी किया था और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी थे। तो मैंने सोचा कि जिम जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, फालतू का लाइक पैसे बर्बाद करो, और जाना मुझे 15 दिन ही है, मुझे पैसा देना पड़ेगा सबसे पहले 1 महीने का, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी। उससे अच्छा मैं लाइक डाइट पे यूज़ कर लूँ उसको। तो ठीक है, इसको अपार्ट रखते हैं। आज हम लोग फिर से लाइक आप देख सकते हो लाइक यहाँ थोड़ा सा मेरा लाइक यहाँ पर मैं सब्जी वगैरह लाइक उगाता हूँ, बाउंड्रीज वगैरह मेरा लाइक ये एरिया है मेरे घर के पीछे जस्ट। तो यहाँ पर हम कुछ वर्कआउट करेंगे, और मैंने कुछ पुलअप्स के लिए और कुछ मेरे पास लाइक हैंडमेड बारबेल भी हैं जिससे मैं लाइक आर्म्स शोल्डर वगैरह लगा सकता हूँ। तो सारा कुछ यहाँ पे है, देख सकते हो पीछे ये नींबू का पेड़ है, आपको दिख रहा होगा। तो बहुत सारे नींबू हैं, अभी ये पकने वाले हैं, फिर मैं इसे लाइक खाने वाला भी हूँ। तो चलते हैं और करते हैं वर्कआउट। सबसे पहले लाइक स्ट्रेचिंग, जैसे हम शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, नींबू वाला पेड़। ये देखो कितने अच्छे अच्छे नींबू हैं, बहुत सारे हैं, अभी पकने वाले हैं। और ये देखो ये पेड़ है, यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो। ये मैंगो का ट्री है, ये देखने में बहुत छोटा लगता है बट आम इसके में बहुत 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 ज़्यादा आम लग जाते हैं। और ये देखो, जैसा मैंने बोला था, ये हमने गोभी लगा के रखा है, मूली है, ब्रिंजल, बैगन, ये सारा यहाँ पे हमने लगा के रखा है। थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बोल रहा था आपको, मैं कल ही इसको पुलअप्स के लिए लगाया था और ये बहुत अच्छा है। तो गाइस, मैंने आपको दिखाया वहाँ पे मैंने एक पुलअप्स बार खुद से मैंने बांध के रखा है। तो एक्चुअली होता क्या ना, अगर जो मेरे पास एक पुलअप का बार हो ना, तो मैं उससे काफ़ी सारे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बैक को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन करता हूँ, अपने एब्डोमिनल एरियाज को ट्रेन कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, पुशअप से मैं चेस्ट को ट्रेन कर लूँगा। आई हैव दिस जो मैंने आपको दिखाया नहीं, इससे मैं अपने आर्म्स को, शोल्डर्स को ट्रेन कर सकता हूँ। मेरे पास ईंटें हैं, ईंटें से भी मैं लाइक बाइसेप को अल्टरनेट बाइसेप कर सकता हूँ, शोल्डर हाई रेजेस कर सकता हूँ। तो लेट्स डू इट।
सो गाइज विद दिस आई एम डन। मेरे हाथ का हालत देख सकते हो आप, इतना ईजी नहीं है आउटर वर्कआउट करना, बट इट्स ओके। बॉडी को कंडीशन में रखने के लिए थोड़ा बहुत तो इसको मेहनत देना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक घर पे रहूँगा तब तक ऐसा ही पूरा देसी सा गांव वाला वीडियो आता जाता रहेगा। तो दैट्स ऑल, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। टेक केयर।